सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2016 में हुई नोटबंदी पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी। पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यम ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया, जबकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले को गैरकानूनी कहा। आइए एक नजर उन सभी बिंदुओं पर डालते हैं जो जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी पर असहमति जताते हुए उठाए। 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला कानून के माध्यम से होना चाहिए था, न कि अधिसूचना के माध्यम से। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। इतने अहम मुद्दे पर संसद को अलग नहीं छोड़ा जा सकता। 24 घंटे में की गई नोटबंदी की कवायद, जबकि गंभीर आर्थिक प्रभाव वाले इस प्रस्ताव को एक्सपर्ट्स पैनल के समक्ष रखा जाना चाहिए था। नोटबंदी पर आरबीआई ने स्वतंत्र फैसला नहीं किया। इस मामले में केवल आरबीआई की राय मांगी गई, जिसे सिफारिश नहीं कहा जा सकता। नोटबंदी का फैसला कानून के जरिए लाया जाना चाहिए था। अगर गोपनीयता की जरूरत है तो इसे अध्यादेश के जरिए लाना चाहिए था।